बुधवार को ईसाई समाज के पीड़ित लोग बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी रोहित सिंह सजबाल को एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि 31 जनवरी को देर शाम उनके घर पर कुछ हथियारबंद नामजद लोगों ने हमला किया, घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। सिविल लाइन क्षेत्र के सेमिनरी कंपाउंड में रहने वाले इस पीड़ित परिवार ने प्रदेश महासचिव संयुक्त ईसाई महासंगठन पादरी साइमन प्रसाद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के समर्थ मिश्रा और उनके पिता नीरज मिश्रा पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि घर में घुसकर नामजद और अज्ञात लोगों ने महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दी और लात घूसों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना घर खाली कराए जाने को लेकर की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी देकर गए। इस मामले को लेकर उन्होंने एसएसपी रोहित सिंह सजबार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इसके खिलाफ माननीय न्यायालय में भी आवाज उठाई जाएगी। पीड़ित परिवार द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक तथाकथित लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, जिनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। शराबे की आवाज हुई, तोड़ फोड़ की आवाज हुई। हम लोग अपने रूम से निकल 7 और 7:30 बजे के बीच का मामला है ये। हमारे घर में हम लोग को जब शोर शराबे की आवाज आई, गालियों की फिलहाल अच्छी ध्यान रखो, यहाँ पे कोई चीज दिखना नहीं चाहिए आप अपने एरिया में। अगर जो चीज पड़े हो उस पे गाड़ी मेरी गाड़ी पे लात मार के तो गिराई गई के थ्रू, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। कल पुलिस को लेकर हम लोग सोचते थे कि मोड़ो गाड़ी, किसी से कुछ मत करो। तुम लोग कहने क्यों गए? तुम लोग क्यों गए किसी से कहने? हटाते जब तुम्हारी जगह बोलने के तुमसे पूछोगे, हमारी जगह तुम्हारे नाम पे कागज है, किसी पे कोई कागज नहीं बोलेगा। तुम मुझसे बस कुछ नहीं, कल संजय पंचायत बोलो यहाँ से रहना है, रहना उत्तर बंदर रहने दीजिए। मेरा नाम पादरी साइमन प्रसाद है, मैं संयुक्त ईसाई महासंगठन का प्रदेश महासचिव हूँ और हमारे ये पासवान हैं, सुभाष नगर मैथोडिस्ट चर्च की पास्टर हैं आप, और आप विडो हैं और अपने परिवार के साथ में ये सेमिनरी कंपाउंड में जो पादरियों के हॉस्टल है उसमें रहते हैं करीब 7-8 साल से। जी जो मैंने बताया जिस प्रकार से कि आप पास्टर हैं और आपके परिवार पर परसों शाम को लगभग 7 बजे 31 तारीख की शाम को 7 बजे समर्थ मिश्रा, उनके पिताजी नीरज मिश्रा और उनके साथ अज्ञात काफ़ी संख्या में लोग थे, इन्होंने आके इनको घर पे मारना और पीटना शुरू कर दिया। गंदी गंदी गालियां दी हैं, मारा है, जानलेवा हमला किया है और उसके बाद में सामान को तोड़ा फोड़ा और इनसे ये कहा कि ये जगह खाली कर दो, ये जगह हमने ले ली है और इनको धमकी दी है कि अगर तुम लोगों ने ये जगह खाली नहीं करी तो मैं तुम लोग को जान से मार दिया जाएगा और मैं सपा का नेता हूँ, हमारी सरकार आने वाली है और तुम लोग को तो नेस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। दूसरा ये जगह जो है ये मेथोडिस्ट चर्च की संस्था की जगह है, धार्मिक जगह है, इसको ना तो कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। तो मैं ना केवल यहाँ पर जो इन्होंने यह दावा कर रहे हैं ख़रीदा है, मैं उनको के ख़िलाफ़ भी बात करता हूँ कि जिन्होंने बेची है, जो चर्च के पदाधिकारी हैं जिनमें मुख्य रूप से हनुबी राम साहब और चर्च के और जो पदाधिकारी जिनके विषय में मैं नहीं जानता हूँ, जो जांच का विषय है कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं, लेकिन उन सब के खिलाफ भी मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो और इन दोनों लोगों के खिलाफ कि इन्होंने एक जघन्य अपराध ये किया है कि एक तो हमारे धार्मिक गुरु हैं उसके बावजूद उनके दोनों मतलब पास्टर जी और उनकी बेटी दोनों लोग अकेले घर पे थे और इन महिलाओं के साथ में मतलब मारपीट अभद्रता की है जो कि एक जघन्य अपराध है। जी हाँ, इसको हमने कोतवाली में परसों शाम को एक तहरीर दी थी, उस पर एक FIR दर्ज की गई जिसमें
कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जो इस प्रकार से कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था अब तक, ना तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई इनको राहत मिली है और ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इसलिए हम लोग आज माननीय SSP महोदय से मिलने के लिए आए हैं।